बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा इन लोगों ने जनता से किए वादे तो पूरे किए नहीं, भ्रष्टाचार जमकर किया। बड़ा मनहरा उपचुनाव के चलते घुवारा में चुनावी सभा करने आए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कमलनाथ सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार ने 16 महीने सरकार चलाई, लेकिन बड़े भैया कमलनाथ और छोटे भैया दिग्विजय सिंह ने चुनाव पूर्व जनता के किए वादे भुलाकर जमकर भ्रष्टाचार किया और खूब रुपए बनाए, और जब हमने जनता से किए वादे पूरे करने को कहा तो वे भूल गए और शिवराज की योजनाएं बंद कर दी। सिंधिया ने मन से कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी की जमकर मिमिक्री की और कहा कि किसानों से चुनाव पूर्व 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ किया जाना था, क्या वो हुआ? तो बड़े भाई ने कहा डबल कर दो 51,000, लाखों बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, मेरी बेटियां नहीं घर में चली गई, 1 साल गुजर गया, सही है कि नहीं? और मंच पर आके कहा था 10 दिन के अंदर सही है कि नहीं? अरे जो सरकार मेरे किसानों का कर्जा माफ की वादा खिलाफी करे, मैं तो कहता हूं कि उस जोड़ी ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी। उनको धूल चटाना ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम है मेरे भाइयों। जिनके नेतृत्व में कांग्रेस के अक्सर जानते हैं 22 विधायकों ने इतना कठिन निर्णय लिया और वो निर्णय लेने का साहस किया और उन्होंने अपने मंत्री पद से विधायक के पद से त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और हमारे सभी भारा क्षेत्र के बड़ा महेरा क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो कुशासन की सरकार थी कमलनाथ जी की सरकार को हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो उखाड़ने का फैसला किया है, इतना बड़ा निर्णय किया है, ऐसे नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।